हेलो गाइस, आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है द बीवीएच में सौदा एट। कि आज हम बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड सम डोमेन एंड मेक योर ओन ऑटोमेशन टूल। ओके, तो सब डोमेन की जरूरत क्यों पड़ती है हमें बग बाउंटी हंटिंग में? बिकॉज हमारा जो मेन डोमेन होता है सिक्योर होता है, सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है। तो हम रादर देन सब डोमेन के, तो हमें सब डोमेन की जरूरत पड़ती है। सिंपल थी सी बात, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना यूज करने वाला हूँ एक टूल है असेट फाइंडर का सब डोमेन के लिए, ठीक है। तो मेरे को ना कमांड नहीं लिखनी है, तो मेरे को कमांड लिखने के लिए अवॉइड करना है, ठीक है। मुझे जो है ये कमांड नहीं लिखनी है, आई वॉन्ट टू अवॉइड दिस कमांड, सो दैट कि मैं मेरा टाइम बचे, ठीक है। सो दैट कि मैं स्क्रिप्ट रन करूँ, क्योंकि मैं अपनी स्क्रिप्ट रन करूँ एंड देन फटाक से और डोमेन नेम डालूँ, फटाक से मेरे को सब डोमेन की लिस्ट निकाल के दे दे, ठीक है, हमेशा, मतलब हर बार के लिए। तो इन सब को चलाने के लिए ना आपके सिस्टम पर पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, गो लैंग्वेज इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है। और कैसे बनाना है चलो बात करते हैं, हम काम पे आते हैं, सीधी सी बात, ठीक है। अब हम लिखेंगे bin dot bash, ठीक है। ये सबसे पहले हम ये लिखेंगे ये करता क्या है, बात करते हैं। ये ना सबसे पहले हमारा क्या करता है, कमांड की जो हमारी कमांड की आर्गूमेंट है, ये वाली कमांड की आर्गूमेंट है, ठीक है, उसको अपने फोल्डर के अंदर, अपनी फाइल के अंदर, इस फाइल के अंदर, ठीक है, stxt फाइल के अंदर स्टोर करके रखता है bash, ठीक है। हिट दी एंटर, मैं चलता हूँ, क्या लिखता हूँ, डोमेन इक्वल टू डॉलर साइन वन। ये क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने वेरिएबल को कॉल किया है, ठीक है। अब डॉलर वन का मतलब होता है डोमेन के अंदर एक वेरिएबल को कॉल किया है जिसके नाम दिया मैंने डॉलर वन। अब डॉलर वन का मतलब क्या होता है कि आपका जो कमांड का आर्गुमेंट है ना वो ऑटोमेटिकली डोमेन नेम में वेरिएबल में सेव हो जाए, ठीक है, स्टोर हो जाए, ठीक है। मैं चलता हूँ आगे, फिर यहाँ लिखता हूँ, एक फोल्डर बनाना है हमने mkdir के नाम से -p, ठीक है, रूट स्लैश टॉप पर डालता हूँ मैं $\ अगेन डोमेन, ठीक है, मतलब वो डोमेन के नाम से सेव हो जाए। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कहाँ गया, या मैंने लिखा dell.com, तो वो dell.com नाम के फोल्डर पे सेव हो जाए डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है। सो मैं चलता हूँ आगे, अब मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, इट मीन्स आप पढ़ सकते हो, ये मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर आगे जो मेरी कमांड थी, मैंने इसको कमांड कॉपी किया, ओके, पुट इट ऑन दी, ओके। सो मैंने यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, इसको कॉल करूँगा मैं अभी डॉलर वन के अंदर, ठीक है। वाई डॉलर वन के अंदर मैंने अभी बोला कि आपका जो कमांड है, कमांड के आर्गुमेंट है, ये वो ऑटोमेटिकली सेव कर देगा, मतलब आप दोगे वो ऑटोमेटिकली फेच करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब इसको भी कॉल करना होता है हमें, यहाँ लिखते हैं t-a, डेस्कटॉप के अंदर करना है, इस फोल्डर के अंदर, तो मैंने इस फोल्डर को कॉपी कर लिया एंड यहाँ लिख देता हूँ मैं $1.txt, मतलब जो हम डोमेन देंगे उसी डोमेन के नाम से ये सेव कर लेगा txt में, ठीक है। अब हम मैं ना इसे सेव कर देता हूँ, सेव एस, सेव किस पे करना है, एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, व्हाट इज योर एक्सटेंशन। सो यहाँ लिखता हूँ मैं bbh.sh, sh इज योर एक्सटेंशन, रिमाइंड, ठीक है, sh.sh इज योर एक्सटेंशन, ओके, हिट दी एंटर, इट विल सेव, इट गो ओवर हेयर, डिलीट इट, वी डोंट वॉन्ट, ओके, ls, यू विल सी द bbh.sh फाइल इज रेडी, देन chmod कोड, वी वॉन्ट टू एक्टिवेट इट, ओके, bbh.sh, देन हिट दी एंटर, ओप्स, not dot, wait a second, oops, मैं ना कमांड ही गलत लिख रहा था यार, पता भी नहीं रहे यार तुम, chmod होता है, ठीक है, इतनी देर से कमांड गलत लिख रहा हूँ मैं वही सोचू यार गलत क्यों हो रहा है, bbh.sh हो जाती कभी कभी, ठीक है। मैंने एक्टिवेट कर दिया, want to activate it now, what you want to run bbh.sh, then hit the domain enter and it will be countable,
पढ़े, इट विल बी क्रिएटेड सी। ओके, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब और वॉच प्लीज यार पूरा देखा करो यार, ठीक है। और मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि अनोनिमस ब्राउज़र कौन सा है वो जिसपे आप अनियन चला सकते हो, टॉर ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हो, जस्ट वन क्लिक। एल्टा ब्राउज़र है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, सी ये वाला ब्राउज़र है वो, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ करो यार, नहीं करते हो दिल से बुरा लगता है, वीडियो देखते हो लाइक और शेयर नहीं करते दिल से बुरा लगता है, करो प्लीज़, ठीक है। ऐसी ऑटोमेशन वाली वीडियोज़ लाता रहूँगा मैं और सिखाता रहूँगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, चलते हैं।